Hello students, so in our today vehicle maintenance laboratory we will discuss about the experiment that is engine reboring. So first of all, why we do the engine reboring? So as our engine gets used, so over the time their cylinder become worn out, right? So this wear and tear result from the ongoing friction stresses that created from the piston rings and combustion of the engine. So during a major period, boring out or owning the engine cylinders, that will provide new life to the engine parts and reduce combustion related problems to the deposits. So for that, what we required? First of all, we required some tools, like we required a telescopic bore gauge, vernier clipper. Here you can see the vernier clipper that we required for this, and then we required the micrometer. So we have a micrometer that will be used in this experimentation, right? After that, we required a test lamp, machining clamping tool, boring clamp, filler gauge. So here we have a filler gauge, okay, for the measurement purposes. So as we have discussed that it is used when our engine parts are get worn out, right? So here we are seeing the engine cylinder. So we have removed one piston from the engine cylinder. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंजन सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, कुछ कंपोजिट्स ऐड हो जाते हैं जिसके कारण हमारी जो कंबस्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और आप ये इंजन जो पिस्टन देख सकते हो, तो इस पिस्टन के ऊपर भी ये डिपॉजिट जो हमारे ऐड हो चुके हैं। बेसिकली क्या, इसकी जो क्लियरेंस है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाती, तो हम इसको रीबोर करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द रीबोरिंग। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आई विल डिस्कस दो स्टेप्स इन डिटेल। सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज टू डिसमेंटल द सिलेंडर एंड रिमूव द इंजन। ओके, सो हमने यहाँ पे इसको डिसमेंटल कर लिया है। डिसमेंटल के बाद हमने इसको वहां पे रिमूव कर लिया। यू कैन सी दैट ऑल द पार्ट्स दैट आर डिसमेंटल फ्रॉम द इंजन, राइट? सो आफ्टर दैट वी विल पोजीशन द सिलेंडर पार्ट्स इनटू द होल्डर सो दैट इट रिमेन्स लॉक्ड, स्टिल वी वर्किंग ऑन इट। हमें इसको बिल्कुल लॉक करना पड़ेगा जब तक इसके ऊपर हम काम करेंगे। ओके, सो पोजीशन द सिलेंडर सो दैट इट फेसिंग अपसाइड डाउन एंड स्ट्रेट अपवर्ड्स। पोजीशन द बोरिंग कटर सो दैट इट इज पैरेलल विद द सिलेंडर, दैट विल अलाउ द बोरिंग कटर टूल टू गेट लोअर इन साइड द सिलेंडर। तो इसके अंदर वो आप करेगा, इसके रेफरेंस के लिए आप एक वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक डाला हुआ साथ में। सो आफ्टर फिनिश द सिलेंडर पोर्ट्स विद हैंड हेल्ड रोटरी और ग्राइंडिंग टूल, वी रिक्वायर्ड अ वन ग्राइंडिंग टूल। आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव अ ग्राइंडिंग टूल, इसके साथ हमने आगे टूल लगा के उसकी हम फिनिशिंग करेंगे। ओके, फॉर इनटेक एंड एग्जिट पोर्ट एज इज इन साइड द सिलेंडर। ओके, so after that we will attach, in step number 3 we will attach the proper size owning tool for your cylinder to power drill or small similar type of tool that is allowing the owning tool. Okay, so for that we can also use a screwdriver to adjust the tension on the owning tool so that it can properly fit the cylinder when it get inserted. After that we will apply the engine oil टू द ऑनिंग टूल, जो हमारा ऑनिंग टूल होगा उसको हम इंजन ऑयल अप्लाई करेंगे सो दैट इट विल फुली कवर्ड द ऑयल। इस तरह से करेंगे वो प्रॉपरली इसको फुली कवर कर ले। इन द स्टेप नंबर 4 वी विल इंसर्ट द टूल इन साइड द सिलेंडर एंड टर्न इट ऑन मैक्सिमम स्पीड एंड होल्डिंग इट वेरी टाइटली। सो मूविंग द ऑनिंग टूल इन एंड आउट ऑफ द सिलेंडर क्विकली सो दैट इट डज नॉट ग्राइंड एनी वन ऑफ द स्पॉट टू लॉन्ग। अगर वो ज्यादा उसको कर देगा वहां पर ग्राइंडिंग, तो हमें उसमें दिक्कत आएगी, वो प्रॉपरली हमारी वहां पर ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगी। सो आफ्टर दैट पुल द टूल आउट एंड चेक द वर्क, उसको चेक करेंगे, अगर हमें लग रहा है दोबारा जरूरत है उसकी, देन वी विल अगेन री इंसर्ट द टूल एंड स्पिन इट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस टाइम वी विल मूव इट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? सो पुल द टूल आउट अगेन एंड इंश्योर दैट जो इन साइड फिनिश है उसकी सिलेंडर बॉल्स की, दैट हैव अ क्रॉस हैच पैटर्न। सो इन द लास्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द ग्राइंडर सिलेंडर एंड वॉश इट कंप्लीटली विद हॉट वाटर एंड सोप। ओके, सो राइजन इट ऑन फाइनल टाइम एंड देन ड्राई इट इमीडिएटली। इसके बाद हम इसको एयर में ड्राई नहीं करेंगे, इसको इमीडिएटली ड्राई करेंगे, बिकॉज इट विल गेट रस्टेड। इसके बाद क्या होगी, क्योंकि अभी हमने इसकी फिनिशिंग की है, तो वहां पर रस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। एंड एंड द लास्ट स्टेप वी विल अप्लाई इंजन ऑयल टू अ टेपर टूल एंड वाइप इट इन साइड द सिलेंडर। इसके अंदर इंजन ऑयल अप्लाई करेंगे, उसको वाइप करेंगे अच्छे से और इंश्योर करेंगे उसके अंदर कोई ग्रे और ब्लैक स्टेन ना हो। एंड वी विल कीप लुब्रिकेटिंग विद मोर पेपर टॉवल्स एंड ऑयल अंटिल द पेपर टॉवल नो हैव नो लॉन्गर स्टेन। जब तक उसके अंदर कोई भी स्टेन नहीं आएंगे, हम उसको लुब्रिकेट करते रहेंगे। सो दिस इज द स्टेप्स दैट आर यूज फॉर रिबोरिंग द इंजन। सो इन द लास्ट स्टेप वी विल डू द ऑनिंग ऑफ अ सिलेंडर। सो हमें कोई इसमें मैटर नहीं करता कितना प्रिसाइजली हमारे इंजन की बोरिंग की गई है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर्ड अ
सेलेक्ट द प्रॉपर साइज्ड ऑनिंग टूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सबसे सही साइज का टूल उसके लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सिलेंडर दैट वी वॉन्ट टू ऑन 2 inches वाइड, ओके। सो फॉर दैट वी डू नॉट रिक्वायर टू ऑनिंग टूल दैट इज लार्जर देन द 2 inch वाइड। सो ऑनिंग टूल विल एक्सपैंड सो इट अप्लाइज एडोकेट प्रेशर टू द क्रॉस हैच द सिलेंडर पॉज। सो द अमाउंट ऑफ मटीरियल दैट इज रिमूव्ड इज नॉट डिटर्मिंड बाय द बिट्स ऑफ द टूल। जो हम मटीरियल वहां से रिमूव करते हैं हम उसको बिट्स से नहीं मेजर करते हैं, बट रेदर बाय हाउ लॉन्ग इट यूज इन साइड द सिलेंडर, कितना टाइम हम उसको सिलेंडर के अंदर यूज करते हैं। दूसरा स्टेप इसके अंदर जो उसकी रोटेशनल स्पीड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी बिटवीन 1200 to 1600 RPM। सो मेक श्योर दैट जो आपकी स्पील की नॉर्मल स्पीड है इससे हाई पावर पे वो फुल स्पीड पे काम करे वो। अगर आप उसके ऊपर स्विच लगी हुई है सिलेक्ट करने के लिए देन यू कैन सिलेक्ट अराउंड 1400 RPM। एंड एनी रोटेटिंग डिवाइस दैट ऑपरेट्स विद इन द रिक्वायर्ड रेंज, ठीक है, उसको आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। बट यूजली जो ड्रिल्स हैं दैट आर द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस फॉर दिस टास्क। इफ यू आर यूजिंग अ कोर्डलेस, जो भी आप यूज कर ले तो बैटरी उसकी प्रॉपरली चार्ज होनी चाहिए उसके अंदर, तो इससे क्या होगा आपका सिलेंडर प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। तो इन द लास्ट स्टेप प्लेस अ ड्रेन पाइप अंडर द इंजन ब्लॉक, जो भी वहां से लुब्रिकेंट निकलेगा उसको कैच करने के लिए उसके आप नीचे ड्रेन पाइप लगा सकते हो, ओके। सो दिस इज अ प्रोसेस हाउ वी कैन डू व्हेन वी आर फिनिश्ड। सो वी विल मूव द ड्रेन पैन एंड वाइप द सिलेंडर आउट विद अ स्लाइटली सोपी एंड डैम्प रैग टू चेक योर वर्क एंड रिमूव एनी मेटल। अगर वहां पे कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं उनको निकालेंगे हम, तो हमारा इंजन है वो प्रॉपरली अगेन वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। थैंक यू।